नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ मंडल की सबसे जर्जर सड़क में से एक आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग का हाल बेहाल है। इस मार्ग पर सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, इसका जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत निकले। हालत काफी खराब देख मंडलायुक्त ने जब पीडब्ल्यूडी की क्लास ली तो उन्होंने सड़क एनएच का बताया। जब एनएच के अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने सड़क पीडब्ल्यूडी की बताई। अधिकारियों के इस रवैये को देखकर मंडलायुक्त भी हैरान रह गए। उन्होंने दोनों विभाग के अधिकारियों को लिखित रूप से मंतव्य देने को कहा और कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश दिया कि अगर खराब सड़क की वजह से कोई दुर्घटना हुई तो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सबसे पहले सेमराहा में गोरखपुर वाराणसी लिंक मार्ग पर बने अंडरपास में भारी जल जमाव पाया एवं अंडरपास के दूसरी ओर सड़क से बह रहे पानी को देखा, जहां नीचे गड्ढे होने के कारण दोपहिया चारपहिया साइकिल आदि के माध्यम से आने जाने वाले लोग काफ़ी डिसबैलेंस दिखे। इस पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से सड़क की ऐसी दयनीय स्थिति के बारे में पूछा तो बताया गया कि यह NHAI की सड़क है, जबकि परियोजना निदेशक NHAI का कहना है कि यह लोक निर्माण विभाग की सड़क है। यही स्थिति कोटला बाईपास एवं मोहम्मदपुर में भी बताई गई। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि जिस विभाग को कार्य कराना है बैठक कर तय कर लें। इसके साथ ही उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को सचेत किया कि यदि सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण कोई अनहोनी होती है तो निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मोहम्मदपुर एवं बिंद्रा बाजार में सड़क की हालत बद से बदतर पाए जाने पर उन्होंने मौके पर ही दोनों विभागों के अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग एवं NHAI के कार्यों की साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों विभाग अपनी अपनी सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत आदि के जो भी कार्य कराएं प्रति सप्ताह उसकी प्रगति से अवगत कराएं। देखिए, मैं आज तीन चार जगह मैंने उन पॉइंट्स की जिसकी मुझे बार बार शिकायत आ रही थी कि हाँ सड़क के अनुसार में आज मैंने कली निरीक्षण किया और साथ में मैंने NH के अधिकारी और PWD के अधिकारियों को रखा और मैंने पाया कि वहाँ पे अभी काफ़ी काम होना अभी ज़रूरी है। तो कोई कोई पॉइंट ऐसे भी मिले जहाँ पे अभी NH और PWD में एका नहीं है कि ये किसका मार्ग है। तो और बाकी जो जगह हैं जहाँ पे ये दोनों ने दोनों में ये एका है कि ये किसका मार्ग है, वहाँ इनसे टाइमलाइन लेके एक स्पष्ट टाइमलाइन लेके इनसे कार्य कराया जाएगा और इनकी सतत समीक्षा की जाएगी। हर 15 दिन में इनकी समीक्षा की जाएगी। मैं जिलाधिकारी से भी अनुरोध करूँगा कि इनकी जो है सतत समीक्षा 15-15 दिनों में इनकी करें और मैं भी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करूँगा और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जिन जिन सड़कों में बजट अभी उपलब्ध है उनको तत्काल मौसम की स्थिति को देखते हुए इनको कम्प्लीट कराया जाए। और यहाँ पर अभी यह तय नहीं हो पा रहा है कि वो सकती है, ये इनसे लेके फिर उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और उच्च स्तर पर अवगत कराया जाएगा कि यहाँ पर अभी इस तरह के जो भी अगर इसमें आगे कोताही बरती जाएगी, समय पर काम नहीं होने पर अगर ये स्पष्ट होता है कि लापरवाही होगा तो दंडात्मक कार्रवाई भी हमें लगाई जाएगी। सर, एक चीज़ आई है कि जो सड़कें बंद हो गई जैसे मथौड़िया से आजमगढ़ तक ये कंडीशन है कि सड़कें बंद गुणवत्ता को लेकर के बड़ी शिकायत है। सर, आप स्वयं अगर जाएंगे तो तमाम सड़कें जर्ज हैं और जगह जगह फट रही है, इसको आप इसको जो ये बात है अभी 25 तारीख को मैं एक मीटिंग बुला रहा हूँ या इसमें एक हाई लेवल मीटिंग रहेगी तो इस बिंदु पर भी चर्चा कर लेंगे गुणवत्ता पे और यदि पाया जाएगा गुणवत्ता गड़बड़ है तो एक उच्च स्तरीय जाँच रिकमेंड करी जाएगी और हायर लेवल पे रिकमेंड करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जाँच करा लें और गुणवत्ता में सुधार कराएँ और जहाँ भी अगर जो दोषी पाया जाएगा ये रोड में इसका बनाने में खराब गुणवत्ता वाली रोड बनाने में तो उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगा।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।